Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. So आज हम जा रहे हैं गाँव, बच्चों को मैंने तैयार कर दिया अनाबिया की अदन कह रहे हैं मैंने नहीं जाना, उसके साथ हमेशा हमारे यही हल्ले होते हैं, कहते हैं मैंने गाँव नहीं जाना, मैं नानों के घर रहूँगा, और हम कहते हैं चलो फिर दादो नाराज़ हो जाएंगी। सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं, इसके बाल में गाड़ी में कंघी करूँगी। हिब्बा को भी मैंने तैयार कर दी। हिब्बा कैन यू शो योर ड्रेस? शूज मैंने बोला था ना, जरा वो कर लो, साफ कर लो। कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट यू आर वेयरिंग? आई एम वेयरिंग ब्लैक बूट्स एंड ब्लैक पैंट्स एंड स्वेटर दिस ब्लैक टेडी बेयर्स एंड आई हैव दिस लाइट इन दिस वाइट शर्ट शर्ट एंड व्हाट अबाउट योर एक्सेसरीज? I don't have my and my necklace is the teddy bear one. See? Where you got it from? I got it from package. Okay. Not package, it's from ethnic. This is for ethnic. If you want to get this, then get for ethnic. एंड इसका मुंह और बाल जो है ना वो गाड़ी में कंघी होएंगे। मुंह भी वाइप से साफ होएगा गाड़ी में। शी वॉज सुपर डुपर क्रैंकी सुबह में, आई डोंट नो क्यों, पर रोए जा रही थी, समझ नहीं आ रही थी। तो इसके बाबा इसको बाहर फिराने के लिए चले गए। अब हम इनके बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं, वो निकलेंगे तो फिर हम चलेंगे। और ये एक बाल सलामी कर रहा है आप सबको, अस्सलामु अलैकुम। सो लेट्स बिगिन। कश्मीर के साथ इजहार है जब ये प्यार न होगा कम। अच्छा जी, तो हम गांव क्यों आए? मेरी सास गांव में रहती हैं, ठीक है। वो गर्मियों में जो है वो हमारे घर आ जाती हैं रहने के लिए, लेकिन सर्दियों में वो गांव में रहती, क्योंकि गांव के घर होते हैं बड़े बड़े, बंदा चरपाई मंजी डाल के लंबा लेट जाता है धूप में, धूप सेकता है, आह मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पर यानी सिटी में छोटे छोटे घर होते हैं बंद, जहाँ धूप नहीं लगती, हवा नहीं लगती, तो मेरी सांस की सांस बंद होती है, तो वो गर्मियों में आना प्रेफर करती हैं यहाँ पे। हम आए थे अपनी नंद के नए घर के ख़त्म के लिए। ये मेरी नंद का नया घर है जो कि उसने गांव में बनाया, बहुत प्यारा माशाल्लाह से, बहुत हसीन। अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह खुशियाँ नसीब करे। इन सब की बूथियाँ मैंने छुपा दी क्योंकि इनके माँ प्यों से मैंने कुट पड़ जानी थी। और ये जो वीडियोग्राफी की है ये मेरी नंद की बेटी ने घुमा घुमा के वीडियो बनाई है, बट खैर कोई ना, मोबाइल को ऊपर नीचे करके वीडियो देख लें। बहुत खूबसूरत घर बनाया, टाइल्स मार्बल्स कबर्ड्स, लाइक गाँव के लिहाज से देखा जाए तो घर बहुत ही प्यारा और हसीन। अगेन स्टॉप करें, माशाल्लाह बोलें, दुआ पढ़ें और स्क्रीन पर फूँक दें, अल्लाह खुशियाँ नसीब करे। तो ख़त्म का जो प्रोग्राम है ना वो सुबह में था, देगें शेगी थी, मज़ेदार चावल गाँव के, उफ आई लव देग वाले चावल। अच्छा जी, तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, सिर्फ घर के लोग रह गए थे, जैसे कि मेरी नंदे, मेरी सास, मेरा शौहर, मेरा जेठ, मेरी जठानी, सिर्फ अपने अपने। तो हम बाहर सारी मंजियाँ डाल के बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। मेरे मियाँ जब भी जाते हैं अपनी अम्मी के साथ, मंजी एक ही मंजी में बैठते हैं। और ये हमारे बच्चे हैं जो सोए पड़े हैं, ये अभी नन्ना मुन्ना मेहमान आया है मेरी नंद का। अच्छा ये लेटी पड़ी है अस्पताल के, और वो मेरी सास बैठी है वहाँ पे, उनके लिए दुआ करें उनकी सेहत अच्छी हो जाए। राजी पक्के करें आ गए। और ये रहा चिब्रान, मेरी जिठानी की मेहंदी चेक करें। ये कौन सी लिपस्टिक लगाई है? अरे मैं अच्छा मैं कह रही थी मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना तो मैं भूल गई कि हमने व्लॉग भी बनाना है। तो बेचारा कैमरा जो है वो बैग में पड़े रहा। अभी मैंने उठाया क्योंकि तमाम मेहमान जा चुके हैं, एक हम ही है जो यहाँ पे बैठे हुए। हम तभी जाएंगे जब यहाँ का राशन ख़त्म हो जाना है। और मेरी नानी
खबर टोली हयाना की खुदाया पापा की जीम। चले भाई बाकी बातें कल करेंगे। और अपने शोहरों को ऐसे दबा के रखा करें। अब थोड़े बहुत काम कर लेंगे। वैसे ये भी मेरा अपना घर है और वाकेट में भी मेरा अपना घर है। जब मैं यहाँ आती हूँ मैं मेहमान बन जाती हूँ। मैं वैसे कोई काम नहीं करती हूँ, ना मेरी जिठानी मुझे बोलती है कुछ काम करने को, लेकिन जो मेरे जेठ हैं ना उनको अपनी बीवी बड़ी अजीज़ है। मुझे कहते हैं नाजिश आती है तो यहाँ मेहमान बन जाती है। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही मेहमान बनूँगी और मेरी ऐसी खातिर मदारत करनी है तुम लोगों ने, चाहे जो कुछ भी हो जाए। बट छोटा मोटा काम मैं अपनी जिठानी के साथ कर लेती हूँ। वो चाय बना रही है, जैसे कि बर्तन रखना हो गया, उठाना हो गया, वाला आलम जो मेरा मूड ना हो मैं ये भी नहीं करती। खैर सुबह का नाश्ता हम सब एक साथ बैठ कर करते हैं, बड़ा मज़ा आता है गाँव में। गाँव का माहौल ही इतना चिल और रिफ्रेशिंग होता है। अच्छा जी, तो फिर मैंने सोचा अपने घर की परली साइड का टूर मैं आप लोगों को करा दूँ, क्योंकि बुनियाद से तमाम मिट्टी जा चुकी थी, कमरे हवा में लटके हुए थे, तो काम जारी था यहाँ का। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई खाना खाने के बाद अपनी नंद के घर डाका मारते हैं। एंड यहाँ पे मैंने अपनी सास का अपना वीडियोग्राफर बनाया, बड़ा मज़ा आया। तो फिर मैं और मेरी नंदे जो हैं, मेरी छोटी नंद के घर हम लोग आए, क्योंकि उसका बेटा हुआ है, उसकी मुबारकी करने के लिए। मैं अपनी अम्मी को भी साथ लेके आई थी क्योंकि उन्होंने भी मुबारकी करनी थी। बच्चे मतलब मेरी नंद के कमरे में ईद हो गई थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी रश हो गई थी। अभी आप देखिएगा रौन के माशाल्लाह से। बस दूर रहो, गोपी में फोड़े पखे तक में गिस्ते। मंडल गुलाल है तो वो एच दिल की दिल वो मंडल गुलाल कौन है भाई, जिसके पास अनाबी है वो सफेद तस्कुस के चूल भी है सफेद मरी ना ले लें ना ले ना लुपटे जैसे बुल बुल शांति था ना रे मरी में शांति था कि ना उस चिरूती मरी आ मैं ही शांति नहीं हाँ वकील पके रहा वाले इधर जो डर से नहीं ना कड़ी पड़ी भी बची रहो ये सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम ना बो غوس کوئی درو میں خیدا چڑا ماما شن واہ اسماعیل جی جناب تو واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے یہ دو عدد میری نندے اور یہ ایک عدد میری جٹھانی اور یہ ایک عدد میں اور یہ ایک عدد میری امی گاؤں کی خوبصورتی ایک طرف لیکن گاؤں کو خوبصورت رہنے نہیں دیتے لوگ اپنی آسانی کے لیے لوگ کچرا کہیں پہ بھی ڈال دیتے ہیں خدا را ایسا نہ کیا کریں سر سبز و شاداب رہنے دیا کریں اور یہ ہمارے گھر کے سامنے گراؤنڈ اور یہ ہم گھر پہنچ گئے فٹافٹ